हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और उसका बड़ा छोटा सा जवाब। देखिए यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने ओपन किया, ये देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑलरेडी ओपनड है। यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स आपको दिख रहे होंगे। ये टेबल देखिए, ये बिस्किट की टेबल है और इसमें बहुत सारे बिस्किट के नाम, उसकी प्राइस, यूनिट और टोटल दिया गया है। यहाँ पर कस्टमर की टेबल है और ये कस्टमर की टेबल में कस्टमर का नाम और उसकी सिटी और कस्टमर आईडी दी गई है। यहाँ पर ग्रोसरी की टेबल है जिसमें ग्रोसरी का नाम, ठीक है, फिर आईडी दी गई है, फिर यहाँ पर ग्रोसरी का नाम दिया गया है और ये प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पर प्राइस है और फिर यूनिट है, फिर टोटल हुआ है, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर मेडिसिन का भी मैंने बनाया है, तो मेडिसिन के लिए पैरासीटामॉल है, O2 सिरप की बात है, एसिलॉग की बात है, फ्रिजियम 5 है, सिप्लाडीन है, इस तरह की चीज़ें हैं और इनका भी टोटल और यूनिट आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमने फॉर्म भी बना रखा है, तो ये बिस्किट के लिए है, ये कस्टमर आईडी है कस्टमर टी के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रोसरी के लिए है और यहाँ पर ये मेडिसिन के लिए है, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म भी हमने बना रखे हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आज के इस वीडियो में खास क्या है, चलिए उसको समझते हैं। यहाँ से सबको हम कर लेते हैं क्लोज, ये जो मेडिसिन के लिए जो टेबल बनाया है इसको भी क्लोज करते हैं, ये ग्रोसरी का टेबल क्लोज करते हैं, सबको क्लोज कर देते हैं, कस्टमर की टेबल को भी इवन, और बिस्किट की टेबल को भी। अब ये सब क्लोज कर लिया, हम चाहते हैं एक स्विच बोर्ड बनाए, एक डैशबोर्ड बनाए जिसमें हम, अगर हमें कस्टमर की डिटेल चाहिए तो वहाँ पर क्लिक करें तो सीधा सीधा हमें कस्टमर की डिटेल मिल जाए, अगर हम वहाँ पर ग्रोसरी नाम के बटन पर क्लिक करें तो सीधा सीधा हमें ग्रोसरी की डिटेल मिल जाए, अगर हम कस्टमर के बटन पर क्लिक करें तो कस्टमर की डिटेल मिल जाए, और अगर बिस्किट के बटन पर क्लिक करें तो बिस्किट की पूरी डिटेल हमारे सामने खुल करके आ जाए। ऐसा कैसे करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ से फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखिए ये फॉर्म डिज़ाइन है, तो यहाँ पर जाएंगे फॉर्म डिज़ाइन पर और ये दिया हुआ है एड एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी आपको ऐड नहीं कराना है, ठीक है, आपको यहाँ बटन पर क्लिक करना है, ये देख रहे हैं बटन, तो ये बटन पे आपको क्लिक करना है, तो सीधा सीधा बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ड्रैग करवाइए इसको, ये ड्रैग करवा लिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने ड्रैग भी करवा लिया। जैसे ही ड्रैग करवाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी, ये विंडो कुछ इस तरीके से ओपन होगी, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म ऑपरेशन मिलेगा और यहाँ से आप कर दीजिएगा ओपन फॉर्म। तो यहाँ ओपन फॉर्म पर जैसे ही जाते हैं तो आपसे ये पूछेगा कि आप कौन से वाले फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आपसे ये पूछेगा कि आप कौन से वाले फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो पहले हम बात करेंगे कस्टमर वाले फॉर्म की, ठीक है। तो ये कस्टमर वाला किया हमने और यहाँ कह रहा है ओपन द फॉर्म एंड शो ऑल रिकॉर्ड्स, अगर हमें सारे रिकॉर्ड देखने हैं तो फिलहाल हमें सारा रिकॉर्ड ही देखना है, और यहाँ पर टेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं, तो यहाँ ओपन फॉर्म का एक बटन बन गया है, ठीक है। आप चाहे तो इसका नाम बदल सकते हैं, यहाँ से नाम चेंज भी हो जाएगा, यहाँ पर जिस भी पर्पज से, जैसे ये कस्टमर के लिए बटन बनाया हमने, कस्टमर के लिए बनाया, तो यहाँ पे कस्टमर डिटेल कर देता हूँ, कस्टमर डिटेल ये टाइप कर दिया मैंने, कस्टमर डिटेल, ओके। आप चाहे तो इसका कलर भी बदल सकते हैं, यहाँ से जाकर के होम टैब पे जाइएगा और यहाँ से बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आसानी के साथ ये चेंज भी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको बोल्ड कर देना, ये बोल्ड कर दिया हमने, और यहाँ से इसका कलर भी बदल देते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ, या फिर यहाँ से साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, अगर नहीं हो रहा हो तो यहाँ से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो ये कस्टमर के लिए एक बटन हमने बनाया। अब जो दूसरा बटन है वो हमें किसके लिए बनाना है, जो दूसरा बटन है उसके लिए हमें वापस आ जाना है फॉर्म डिज़ाइन में और ये दूसरा बटन बनाएंगे। तो एक तो कस्टमर के डिटेल के लिए बटन हो गया, दूसरा बटन हम बनाएंगे इसके लिए वापस से फॉर्म ऑपरेशन पर जाएंगे और फॉर्म ऑपरेशन पे जाने के बाद ओपन फॉर्म पे जाएंगे, ठीक है। ये आ गए, अब हमने कस्टमर के लिए बना लिया, अब एक बिस्किट के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये बना लिया, शो ऑल रिकॉर्ड्स पे टिक रखना है और यहाँ पे टेक्स्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। तो बिस्किट डिटेल ओके, तो ये हमने कर दिया। अब इसका कलर भी बदलना चाहते हैं तो कलर भी चेंज किया जा सकता है, सेम वही तरीका, यहाँ होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से कलर हम चेंज कर लेंगे। तो ये कलर देखिए मैंने लगा दिया है और यहाँ से इसकी साइज़ को भी बढ़ा लेंगे और कलर भी बदल देंगे हम, तो यहाँ पे 18 कर लेता हूँ साइज़, ठीक है। और यहाँ से कलर भी चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये बिस्किट की डिटेल है, ठीक है। अब वापस से चलते हैं कहाँ,
फॉर्म डिज़ाइन पे, और यहाँ से आ जाते हैं बटन पे। अब तीसरा जो हम बनाएंगे, ये तीसरा बटन ये किस काम के लिए होगा, ये देखिए यहाँ पे लगाया हमने इसको। जैसे यहाँ पे लगाते हैं तो ये आ गया रिकॉर्ड ऑपरेशन, और यहाँ पे फॉर्म, तो फॉर्म को ही करना है ओपन, फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ से आने के बाद हमने ये कर लिया, इसका बना लिया। अब ग्रोसरी के लिए बना लेते हैं, तो ये ग्रोसरी ले लिया हमने, और यहाँ से इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए यहाँ टेक्स्ट पर जाएंगे, और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से नेक्स्ट करते हुए इस तरीके से ओपन फॉर्म यहाँ पर भी आ जाएगा। इसको हमें चेंज कर लेना है, ओपन फॉर्म जो आ रहा है ना इसको चेंज करेंगे, और ग्रोसरी डिटेल ये हो गया, यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ये हो गया ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसकी तुलना में सारा रहना चाहिए, तो ये इस तरीके से। फिर इसकी भी साइज को इंक्रीज करेंगे, कलर भी बदल लेंगे यहाँ से, ये कलर हम ये रखने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर। ओके, तो ये तीन बटन हमने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये हमने बना लिया। और अब एक और बना लेते हैं, यहाँ से वापस से चलते हैं कहाँ, फॉर्म डिज़ाइन पर, और ये बटन ले लेते हैं हम। तो ग्रोसरी हो गया, बिस्किट की डिटेल हो गई, और अब कस्टमर की डिटेल हो गई, और लास्ट में एक और हम बना लेते हैं। तो ये आ गया, अब यहाँ से फॉर्म ऑपरेशन पर आएंगे, ओपन पे आएंगे, और यहाँ से अब मेडिसिन के लिए, मेडिसिन। ओके, तो ये किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ से टेक्स्ट हमें चाहिए, तो यहाँ से ओपन फॉर्म चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, यहाँ पे मेडिसिन डिटेल कर देते हैं, मेडिसिन डिटेल। ओके, तो ये लिख दिया मेडिसिन डिटेल, और मेडिसिन डिटेल देने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करिए, और यहाँ से इसको फिनिश कर दीजिए। ओके, तो ये फिनिश करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और सेलेक्ट करके, और फिर ओपन पे यहाँ से जा करके, और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, साइज को 22 रख लेते हैं, कर लेते हैं येलो, ये कलर हमने कर दिया। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे इस पर क्लिक किया तो हमारा कस्टमर का टेबल, कस्टमर वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो गया, ठीक है, देख सकते हैं ये कस्टमर का फॉर्म है। फिर बिस्किट की डिटेल पे क्लिक किया तो बिस्किट वाला फॉर्म ओपन हो गया। आप यहाँ से नेक्स्ट करके देख सकते हैं कि कितना कितना क्या क्या है, कैसे कैसे, ठीक है। फिर यहाँ पर जाएंगे तो ग्रोसरी की डिटेल आ जाएगी। ओके, इसको अगर क्लोज करते हैं, यहाँ से क्लोज कर दिया, यस करते हैं, यहाँ पर ये फॉर्म वन आ रहा है, इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पर स्विच बोर्ड कर देता हूँ मैं, स्विच बोर्ड एक तरीके से इसे डैशबोर्ड भी आप कह सकते हैं, ये स्विच बोर्ड मैंने कर दिया, और इसको क्लोज भी कर दिया है। अब जब भी आप इसको ओपन करेंगे, ये सॉफ्टवेयर जब भी आप ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो आपने बनाया था। आप सीधा सीधा स्विच बोर्ड वाले फॉर्म पे चले जाइए, और वहाँ पर आपको सारे बटन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन किया मैंने, और यहाँ से स्विच बोर्ड पर चले जाएँगे, तो ये स्विच बोर्ड पर जैसे ही जाएंगे तो ये आपको मिलेगा डिटेल। तो यहाँ अगर ग्रोसरी की डिटेल चाहिए, मेडिसिन की डिटेल चाहिए, यहाँ चले जाइए, ठीक है। अगर आपको जिसकी भी डिटेल चाहिए यहीं से जा सकते हैं, स्विच बोर्ड से जा सकते हैं आप। कस्टमर की डिटेल चाहिए, यहाँ से आ जाइए, ठीक है। अगर बिस्किट की डिटेल चाहिए तो यहाँ से आ जाइए। तो उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी कि इस तरीके का अगर आपको बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। डिटेल में वीडियो और भी लेकर के आऊँगा, फिलहाल के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा माइक्रोफोन का पोर्ट खराब हो गया है, नहीं तो एडवांस चीज़ें भी अभी चल रही होती तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं तो डेली वीडियोस आती ही हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।